आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि अगर आपकी जेई मेंस के अंदर 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक रैंक आती है या फिर 2 लाख से ऊपर आपकी रैंक आती है जेई मेंस के अंदर, फिर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कहां कहां आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, उसकी बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपकी रैंक इस रेंज में लाइक करती है, अब रैंक कैसे कैलकुलेट करना है, आपके जेई मेंस में जो मार्क्स आए हैं मैंने पिछले वीडियो डाला है, आप collegemitra.xyz वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप रैंक प्रिडिक्टर में जाके अपनी रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिर आपको अगर पता लगता है कि 2 लाख के ऊपर है मेरी रैंक, फिर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं HSTES काउंसलिंग की बात करूँ, जो कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग होती है, उसके अंदर आपको डी क्रस्ट जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, वहाँ पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग नाम की ब्रांच मिल जाती है। साथ ही UIT कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आती है, वहाँ पे आपको ECE ब्रांच मिल जाएगी। MDU रोहतक के अंदर आपको ECE ब्रांच मिल जाएगी, साथ ही साथ GJU हिसार के अंदर आपको IT ब्रांच या फिर ECE ब्रांच मिल जाती है। अब कुछ आपको यहाँ पे ECE ब्रांचेज मिलती है, IT ब्रांचेज मिल जाती है, लेकिन कुछ जो कॉलेजेस हैं जैसे SIT नीलोखेड़ी है, CDL SIT सिरसा है, RBSSIT रेवाड़ी है, CRSSIT झज्जर है, ऐसे कॉलेजेस के अंदर आपको CAC ब्रांचेज मिल जाती है फिजिकल काउंसलिंग के अंदर। अब फिजिकल काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होता है, कैसी चीज़ें होती है, वो हम बात करेंगे जब HSTS की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो ठीक है, तो ये हो गया अपना HSTS, यानी हरियाणा के अंदर आपको इतने कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर आपकी रैंक 2 लाख से ऊपर होती है तो। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश MPDTE की काउंसलिंग होती है, वहाँ पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, वहाँ पे आपको MITS ग्वालियर नाम का कॉलेज है, वहाँ पे केमिकल ब्रांच मिल जाएगी आपको, साथ ही साथ REC रेवा आता है, रेवा इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि रेवा के अंदर लोकेटेड है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी वहाँ पे, सती विदिशा सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि विदिशा के अंदर लोकेटेड है वहाँ पे आपको मिल जाती है सिविल इंजीनियरिंग। साथ ही मैं बात करूँ UEC उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आपको मिल जाती है केमिकल इंजीनियरिंग। तो इतने कॉलेजेस के अंदर आपको मध्य प्रदेश के अंदर ब्रांचेस मिल जाती है, साथ ही साथ इनकी फ़ीस बहुत कम होती है, तो वहाँ पे आप आराम से अपनी इंजीनियरिंग 4 साल की पूरी कर सकते हो। और कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं, विक्रम यूनिवर्सिटी है, शिवपुरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आपको CSE ब्रांचेस भी मिल जाती है, लेकिन उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नाम नहीं डाला है। अब अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते हैं इस रैंक के ऊपर, जिसकी मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात करूँगा BIET झांसी के बारे में, बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस पे आपका बहुत जल्द रिव्यू आने वाला है चैनल के ऊपर, उस में आपको केमिकल ब्रांच मिल जाएगी। साथ ही साथ KNIT सुल्तानपुर, जिसका रिव्यू मैंने डाल दिया है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी। और अगर मैं नीचे बात करूँ IERT इलाहाबाद के बारे में, जो कि नया स्टार्ट हुआ है वहाँ पे BTech, वहाँ पे आपको ECE और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज मिल जाती है। साथ ही मैं अगर REC की बात करूँ, अदर स्टेट वालों को जो है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स नहीं मिलती है, तो अदर स्टेट वालों के लिए जो REC हैं, तो REC आजमगढ़ के अंदर आपको IT ब्रांच मिल जाएगी, REC अंबेडकर नगर के अंदर आपको IT ब्रांच इस रैंक 2 लाख से ऊपर रैंक के ऊपर आपको मिल जाती है, REC बांदा के अंदर मैकेनिकल मिल जाती है, REC बिजनौर के अंदर इलेक्ट्रिकल, कन्नौज मैनपुरी और सोनभद्र के अंदर इलेक्ट्रिकल, यानी कि ये सातों जो REC हैं आपके, इसके अंदर कहीं ना कहीं 2 REC में आपको IT मिल जाती है, 1 में मैकेनिकल और 4 के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस मिल जाती है। ये तो हुई यूपी की बात, हमने की हरियाणा की बात, हमने की यूपी की बात, हमने की मध्य प्रदेश की बात, हमने ना ही राजस्थान की बात की है, ना ही हमने दिल्ली के IPU के कॉलेजेस की बात की है, ना ही हमने चंडीगढ़ की बात की है, ना ही हमने उड़ीसा की बात की है, ना ही हमने छत्तीसगढ़ की बात की है, ना ही हमने बिहार की, ना ही हमने झारखंड की बात की है। अपने पास और भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, मेरी बात आप समझो, बहुत सारे मतलब बहुत सारे होते हैं कॉलेजेस, और जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो बहुत ही आसानी से, और ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनकी फ़ीस कम होती है, सारी प्रोसेस जो है एकदम गवर्नमेंट के तरीके से होती है, तो चीज़ें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इस प्रोसीजर में आपका एंड तक साथ देने वाला हूँ, आपके कॉलेज एडमिशन तक आपके साथ हूँ। जो भी आपको डाउट आते हैं, जो भी चीज़ें होती है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो collegemitra.xyz, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा collegemitra.xyz, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर भी कर सकते हो, हमने 2-3 सर्विसेज अब ये स्टार्ट की है, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, आसानी से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको रैंक प्रिडिक्टर भी मिलेगा, बहुत सारी फीचर्स हम आगे भी ऐड करने वाले हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।